रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे इसको ध्यान से देखिएगा। और ये एक दिन में खत्म हो जाती है, कोशिश करेंगे हम लोग जो कि ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। रिलेशन फंक्शंस, ठीक है? सर, देख, हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री के मिसलिनियस में प्रूफ करने के लिए फॉर्मूलेस तो नहीं आएंगे एग्जाम में? नहीं, प्रूफ करने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ उसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक ओके है? सर, और फॉर्मूला आप लोग जितना जल्दी जल्दी याद रखेंगे उतना आप आगे भी काम देगा, आपको 12 में भी काम देगा, जिसको याद कर ही लीजिएगा। और सब चैप्टर का नहीं उतना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, रिलेशन फंक्शंस में देखिए ध्यान से। मान लीजिए कोई सेट ए है जो कि हम 1 2 एलिमेंट है, कोई बी कोई सेट है जिसमें कि हम एलिमेंट लेते हैं पी क्यू, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये देखिए, पहले ए है, पहले गुड इवनिंग सर। वन, गुड इवनिंग, वन का पहले पी में, तो हम लोग लिखेंगे 1, P, ठीक? फिर लिखेंगे 1, Q, फिर लिखेंगे 2, P, फिर लिखेंगे 2, Q, और इसको हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है? तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया आपको ए क्रॉस बी में, ठीक है? अब अगर मान लीजिए जो कि बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक? तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, पहले 1 था तो अब पी आएगा पहले, तो हम लोग लिखेंगे P, 1, Q, 1, P, 2। अभी मत नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, Q, 2, ठीक है? तो ये दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गए ए और बी का, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी, और इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए। विथ वाला जो पार्ट होता है वो बाद में होता है, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट है वो 4 एलिमेंट है, दोनों में 4 एलिमेंट है। ये जो 4 एलिमेंट कहाँ से आया वो देखिए, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में सिंपल मैथमेटिक्स, ए क्रॉस बी में 2 × 2 = 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक? मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बन जाएगा क्वेश्चन। मान लीजिए जो ए में कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, और बी में मान लीजिए जो कि 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 35 एलिमेंट्स होंगे, इक्वल टू 5 × 7 = 35 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 35 ये मल्टीप्लाई करके आएगा। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए की बात करेंगे, क्रॉस नहीं बोलते, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर बोलेंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ से भी 35 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ओके? तब यहाँ पर नोट में लिखिएगा, नोट में जो कि कोई सेट ए है जिसमें कि m एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट बी है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एम एन होंगे। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए।
डन सर। ठीक है, अब देखिए, सब लोग नोट कर लिए होंगे। मेन यस सर। जो, हाँ, जो मेन नोट वाला पार्ट है, एम इंटू एन वाला, वो वाला पार्ट नोट करना है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर जब हम लोग ए क्रॉस बी निकाले हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं। अब थोड़ा सा सेट अभी पढ़ाया नहीं है बस, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट अगर 1 2 होता है, जिसमें कि एलिमेंट्स 1 2 होते हैं, तो फिर यहाँ से हम लोग सबसेट बना सकते हैं। छोटी सी बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, जो कि किसी भी घर में जो है, मान लीजिए तो दो मेंबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले या तो एक बैठेंगे, या तो एक दो होंगे, या तो फिर एक दो, 1 2 और 2 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, और एक होता है नल। तो यहाँ पर जो होगा वो सबसेट बनते हैं, वो बनते हैं 5 1 2 1 2, ये टोटल इसके सबसेट बनते हैं, इसके ए के। तो इसका अंदर क्या हो गया, ये देखिए, यहाँ पर जो सबसेट बने हैं वो 4 बने हैं। ये जो 4 बना है उसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2। अभी नोट मत कीजिएगा, अभी समझिएगा पहले, 2 के पावर 2। ये जो 2 होता है वो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है, और ये जो 2 होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जैसे यहाँ पर 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हमने 2 के पावर 2 लिखा। ठीक है, इसके लिए ये वाला 2 लिखा। अब मान लीजिए कोई सेट बी है जिसमें कि 1 2 3 है, ठीक, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 3, मतलब 8 एलिमेंट्स। ठीक, एक बार बताते हैं तब फिर आपसे पूछेंगे हम। मान लीजिए सी है पी क्यू आर एस, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें बन जाएंगे 2 के पावर 4 = 16। ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं। ठीक, मान लीजिए तो किसी भी सेट में अगर m एलिमेंट्स होंगे तो मुआसिरा सबसेट कितना होगा, मैं पूछा, ये कोई भी सेट है जिसमें कि मान लीजिए m एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे सर, a टू द पावर m? नहीं, a नहीं, 2 के पावर m। Yes, मैंने क्या बोला, जो 2 फिक्स रहेगा, हाँ, 2 की पावर m, ये बात सबको समझ आ गया। तो चलिए, इसके लिए जो मैंने गोला बनाया है उसके लिए आप लिख लीजिए, बाकी कुछ मत लिखिए, सिर्फ इसके लिए लिखिए, इफ सेट ए कंटेन्स m एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर m, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर m। लिख लिए, ठीक। अब देखिए, अभी से हम लोगों ने लिखा था a कुछ भी था हमें नहीं मालूम, मान लीजिए उसमें m एलिमेंट्स थे, b उसमें n एलिमेंट्स थे, तो a क्रॉस b में mn एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर mn होंगे। यहां से 2 के पावर क्या होंगे, mn होंगे। यही जो नंबर ऑफ सबसेट होता है वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। मैं फिर बता देता हूं कि कोई भी सेट a है और अगर b है तो आप क्या करते हो, a क्रॉस b निकालते हो जिसमें कि mn एलिमेंट्स होते हैं, तो वहां से जो नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 के पावर mn होता है, वो नंबर ऑफ रिलेशन से देते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन से देते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं, मान लो ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, और बी में कोई एलिमेंट्स हैं पी क्यू। ठीक है, आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो कितने होंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 4 8 16। बताइए, 16 सर। 16, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहाँ से mn जो है वो 4 आ गया, 4 को हम लोग लिखेंगे, 16 भी लिखेंगे
टू की पावर फोर। ओके एक क्वेश्चन और, मान लीजिए ए में 3, 5, 7 एलिमेंट्स हैं, बी में मान लीजिए जो कि 5 एलिमेंट, पी और क्यू ले लो, अब नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 4, 32, 16, 8 बताइए। तो अच्छा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें इसमें नहीं आएगा, सुनो मैंने ऑप्शन नहीं गलत दे दिया, ये एक्चुअल में 2 की पावर 6 होगा, तो 2 की पावर 6 तो 64 होता है सर, 64 ठीक है, तो 64 आंसर आएगा 2 की पावर 6। ओके ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे देंगे जो कि ए में इतने एलिमेंट्स हैं, बी में इतने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, अगर 2 एलिमेंट दे देंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मांगेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। चलिए नंबर ऑफ रिलेशंस मिल गया आपको, कोई जरूरी नहीं है जो कि आपको ए और बी, ए और बी दो डिफरेंट सेट्स हों, दो सेम सेट्स में भी बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ए क्रॉस ए, ठीक है। मान लीजिए जो ए में 1, 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे वो 2 के पावर 2 = 4 होंगे, और जो नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो 16 होंगे। तो आपको सब जगह ए क्रॉस बी नहीं मिल सकता है, तभी कहीं भी आपको ए क्रॉस ए भी मिल सकता है, जो भी बात है वो हम लोग देख लेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 16। अब जो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो मैंने आपको बताया ही था, ये क्या होते हैं सबसेट्स। हाँ सर, जैसे आपने बोला इसमें ए इंटू ए 4 हो जाएंगे, तो सर आपने वो भी तो केस बोला था कि जैसे 1 और 2 और 2 और 2, 1 को एक जैसे ही लेट करेंगे, तो इसमें तो सर देखो मान लो 1, 2 है, और 1, 2 है, मल्टीप्लाई करो तो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 है ना, ये किसके लिए आया, ए क्रॉस बी के लिए आया, सॉरी ए क्रॉस ए के लिए आया, ठीक। अब हमें ये बताओ जो कि वहां पर ए क्रॉस बी था तो दोनों में अलग अलग एलिमेंट थे, अब यहाँ पर ए क्रॉस ए में मान लो ये इस पे एल लेते हो, लेफ्ट वाला लेते हो, इसको राइट वाला लेते हो, सक्षम, अगर मान लो तुम इस राइट वाले को पहले लिख लोगे और लेफ्ट वाले को बाद में लिख लोगे तो क्या आंसर अलग आ जाएगा, नो नहीं ना, तो ए क्रॉस ए जब ध्यान सुनना, पहले वाले में ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस ए जो होगा वो ए क्रॉस ए के इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट ए और राइट ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अब आ जाओ इक्वल सेट्स, बुक्स निकाल लीजिएगा एक्सरसाइज 2.1 इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स नहीं इक्वल रिलेशंस, इक्वल रिलेशन, इक्वल रिलेशंस ये कहता है जो कि यहाँ पर मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है, ये इक्वल टू यहाँ पर कोई पी कॉमा क्यू है, ये दोनों रिलेशंस उसी समय में इक्वल होंगे ओनली एंड ओनली जब इसका पहला वाला पार्ट इसके पहले वाले पार्ट का इक्वल होगा, या इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका मतलब ये हो गया जो कि एक्स इक्वल टू पी और सेकेंड में वाई इक्वल टू क्यू, जब दो रिलेशन इक्वल होंगे तो वहां पर एक्स इक्वल टू पी एंड वाई इक्वल टू क्यू हो जाता है, दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक मिनट के लिए एक्सरसाइज 2.1 निकालिए, 1.1 मैं आपको बता दूंगा क्या, 2.1 में क्या करना है मैं वही बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन छूट रहा है वो आपके घर में करने लायक है, और उसके बाद इसको जल्दी जल्दी घर में कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी कीजिए।
1, 2, 5, 10 काफी है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 सबसे हो गया होगा, तुरंत पीछे आंसर मिलाइएगा। जॉन क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर आ गया है। यस सर। गुड। 1 के बाद 2, 5, 10 सर क्वेश्चन 10 का। मुआसरा अगर पॉसिबल हो तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, या तो फिर एक मिनट क्योंकि आवाज थोड़ी लंबी आ रही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। हाँ ये देखिए, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। सर ध्यान सुनिएगा इसमें, ये तो चलो ठीक है, ये तो एक पैटर्न पे आ गया। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है। हाँ ये भी बात है, ध्यान सुनना। मैं इसमें ना थोड़ा सा एडिट करके मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन।
इन्होंने ए क्रॉस ए दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ए क्रॉस बी अगर होता, सब लोग सुनना, और तब कहता है इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी पॉसिबल सेट्स आर पॉसिबल, ठीक। जैसे ए में ये जो 9 है इसको क्या लिखोगे, 1 × 9, 9 × 1, 3 × 3। इसका क्या हुआ, ए में 1 एलिमेंट है, बी में 9 एलिमेंट, एक पेयर बन गया, ए में 9 एलिमेंट, बी में 1 एलिमेंट, ठीक। फिर तीसरे वाले में ए में 3 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट, तो कितने सेट नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं, देयर आर 3 नंबर ऑफ सेट्स या 3 पेयर नंबर ऑफ सेट्स। तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है या पूछा जा रहा है अब। लेकिन यहाँ पर ए इंटू ए है, दोनों सेल्फ है तो ऑब्वियस है, जो कि दोनों इक्वल वाले पार्ट होंगे। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में कुल मिला के आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 एलिमेंट्स। ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक। अब जो वो 3 एलिमेंट्स हैं उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एन एलिमेंट्स, जिसमें कि -1 और 0, -1, 0 और 0 और 1, ठीक है, ये है। तो ऑब्वियस है ये 3 हमको एलिमेंट चाहिए भी, और 3 एलिमेंट मिल भी गया, तो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, मुआसिरा -1, 0 और 1, ये एलिमेंट्स हो गए। समझ में आ गई बात, yes, ठीक। अब आगे क्या मांग रहा है, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। वो अपना बैठ के घर में करते रहेगा, आराम से हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब मैं इसको ये एक्सरसाइज 2.1 से मैंने देखा हुआ है, इसमें से आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ रिलेशन से पहले के बाद। अब देखिए रिलेशन में मान लीजिए जो हमने 1 2 लिया था, छोटा सा एग्जाम्पल 1 2 लिया था, तो ए क्रॉस ए में कुल मिला के 4 एलिमेंट्स होंगे, उसको आप रिलेशन बोलते हैं, कोई सेट बी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके अंदर सबसेट्स हो जाएंगे, जो चीज होगा होगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या क्या होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, ठीक। तब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट एक्स होता है, ये तो 10 से परे हैं, ये वाला पार्ट वाई होता है, ये वाला पार्ट एक्स होता है, ये वाला पार्ट वाई होता है, ये वाला एक्स, ये वाला वाई होता है, ठीक। तो सुनिएगा ध्यान से, जो पहला वाला पार्ट होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, डोमेन। तो क्या लिखेंगे, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर, ऑर्डर पेयर इज डोमेन, ब्रैकेट में लिख लीजिए वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और यहां से उसके बाद जैसे जब वाई की वैल्यू आ गया, जैसे इस केस में 1 है, इस केस में 2 है, इस केस में 1 है, इस केस में 2 है, ठीक है। तो इस केस में y की जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है, तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे, ऑल इमेजेस या ऑल वैल्यूज लिखो, ऑल वैल्यूज ऑफ y, विच इज, ध्यान सुनिएगा, विच इज कैलकुलेटेड, बहुत सिंपल भाषा बता रहे हैं, कैलकुलेटेड बाय x, x की जो वैल्यू होगी वो जो वैल्यू रखेंगे वहां से जो y की वैल्यू निकलेगी वो डोमेन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो y इक्वल टू हमने x प्लस 1 लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, ठीक है, और हमारे पास x इक्वल टू मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक। तो हमने ये ले लिया और इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, ठीक। जब डोमेन बोलेंगे, जब रेंज आएगा वो क्या आएगा, इसमें रखते चलेंगे, एक बार आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कहलाएगा आपका रेंज,
अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, आप लोग सिर्फ इतना लिखिए, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डोमेन, एंड ऑल द सेकेंड एलिमेंट भी लिख सकते हैं, या ऑल वैल्यूज ऑफ वाई विच इज कैलकुलेटेड बाई एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इज नोन एज रेंज। पहले इतना नोट कीजिए। हो गया, समय डन सर। यस सर। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां से जो रिलेशन डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड आपको रिलेशन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, गिवन रहेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में जब हम लोग ये निकालते हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डोमेन, मैंने बताया जो एक्स की वैल्यू होती है, और यहाँ जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है को डोमेन, ध्यान सुनना, को डोमेन, टोटल वैल्यू, को डोमेन, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। अभी जो मैंने बोला था जो रेंज भी वाई होती है उसमें, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना है, या ऐसा समझो ऑल वैल्यूज ऑफ बी ले लो बस, वाई मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये हो गया एक्स एक्स एक्स, ये हो गया एलिमेंट ऑफ बी बी बी। जब x की वैल्यू निकालने के बाद जब हम लोग इसमें जो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो रेंज निकलता है, अभी मैंने यही बताया है। इसका मतलब क्या, ऐसा हो सकता है जो कि कोडोमेन में, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट रह भी सकते हैं एक्स्ट्रा, और कुछ एलिमेंट नहीं भी रह सकते हैं, तो रेंज क्या होती है, रेंज अगेन अगेन, ठीक, वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y कहाँ से मिलेगा, वो सेट b से मिलेगा, या ऐसा समझ सकते हो इमेज ऑफ, इमेज ऑफ डोमेन, ब्रैकेट में लिख लीजिए x, ठीक है, ये निकल जाएगा आपका रेंज। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तब समझिएगा, जो कि कोर डोमेन रेंज और डोमेन में क्या डिफरेंस है। देखिए जैसे मान लीजिए जो हम लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया ए, ठीक है। अब बी में हमने कोई एलिमेंट्स लिया जिसमें कि 4 5 6 7, ठीक है, और हमारे पास जो रिलेशन जो गिवन है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस, मान लीजिए जो कि 3 x + 3 x + 3, ये रिलेशन डिफाइंड है, ये आपके डिफाइंड रहेगा, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, y इक्वल टू x प्लस 3 डिफाइंड रहेगा। तो देखिए जो x की जो वैल्यू होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो x की वैल्यू जो होगी वो डोमेन हो गई, तो इस केस में डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, क्योंकि सेट a का एलिमेंट्स है, ठीक है। और कोडोमेन, कोडोमेन ध्यान सुनिएगा, कोडोमेन हम लिखेंगे 4 5 6 7, क्योंकि यह b का एलिमेंट है, जबकि रेंज की बात अगर हम करेंगे तो अब यहां से x की वैल्यू इसमें रखेंगे, इसमें, और यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज होगी, ठीक। तो एक बार x इक्वल टू 1 रखिए तो कितना आएगा, 4 5 6, ये इसका रेंज हो गया। तो देखिए ये हो गया
ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। फिर जरूरी नहीं है कि सेवन छूट भी जाए, नहीं भी छूटे तो, लेकिन ये जरूरी है जो रेंज हमेशा छोटा होता है को डोमेन से, जब इक्वल हो जाता है तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो बाद पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन, को डोमेन, ठीक है, रेंज इज सबसेट ऑफ को। सर क्या आप डोमेन दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क इश्यूज की वजह से समझ नहीं आया। अच्छा चलिए मैं फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ। डोमेन क्या होता है, जो सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो डोमेन बी होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, तो ये वैल्यू वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और ये वैल्यू होती है वो को डोमेन होती है, सेट बी का एलिमेंट, ठीक। मान लीजिए तो आपके पास कोई रिलेशन डिफाइंड है y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक, तो y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री डिफाइंड है, तो यहाँ से जब हम डोमेन की बात करेंगे तो लिखेंगे वन टू थ्री, ठीक है। फोर डोमेन की बात अगर करेंगे तो फोर फाइव सिक्स सेवन। जब रेंज की बात करेंगे, जब ध्यान सुनेगा, जब रेंज की बात हम लोग करेंगे तो यहां से जितने भी डोमेन है, मतलब x की जो वैल्यू है वो इसमें रखते चलेंगे और y की वैल्यू निकालते चलेंगे, ठीक। जैसे x इक्वल टू वन रखो तो थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस थ्री फाइव, थ्री प्लस थ्री सिक्स। ये देखिए ये फोर फाइव सिक्स कहीं बाहर से नहीं आया है, तो को डोमेन के अंदर ही है, और को डोमेन के अंदर ही हमेशा रहेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन, को डोमेन। बस इस जानकारी के लिए लेना है, बाकी आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज जो है आपको पढ़ना होता है। अब इसके साथ ही साथ नोट में लिखिए, नोट में इफ एनी रिलेशन, इसको जरूर नोट कीजिएगा तभी आपको क्वेश्चन सही बनेंगे। एनी रिलेशन ए इज गिवन, या ऐसा कीजिए आर इज गिवन लिखिए, आर इज गिवन, आर इज गिवन, ठीक, देन देन डोमेन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें नहीं मालूम है तो क्वेश्चन में जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री गिवन था, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने लिया, हो सकता है यहाँ पर हम टू एक्स प्लस थ्री लें लेकिन टू एक्स प्लस थ्री सेटिस्फाई नहीं करेगा, हो सकता है x इक्वल टू वन टू थ्री लेंगे, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है, डोमेन रेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। बट तो को डोमेन होता है वो आपका फिक्स होता है, मतलब वो आर ही रहेगा, उसमें जो आपके सामने क्वेश्चन है वही रह जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी डोमेन और रेंज आपको चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे अभी आप लोग जो है एक मिनट के लिए बुक निकालिए और तुरंत कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट के लिए पढ़िए क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर इन्होंने सेट ले लिया है ए, कोई दिक्कत नहीं है, ए जो है कोई एलिमेंट है जिसमें कि आपको ए क्रॉस ए है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ए क्रॉस ए है, ठीक है, तो ऑब्वियस है जो कि इसमें ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 to 14 होंगे, ठीक ना, और इसमें भी एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 to 14 होंगे,
और ए क्रॉस ए इन्होंने डिफाइन किया है, जो कि अभी तक हम लोगों ने बी लिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ए क्रॉस ए में ही मिलेंगे। यहाँ पर ए से लेके ए तक जो है वो आपका जो है वो क्या कहलाएगा, वो रिलेशन नंबर रिलेशन कहलाएगा अगर उसका सबसे निकालते हो तो। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, बाय वाले कभी छोड़ दीजिए, पहले अभी इसको ध्यान सुनिए मुआसिरा, जो हम मैंने ये टिक किया है मैं आपको बता देता हूँ, ये रेड कलर से ये डोमेन होगा कि को डोमेन होगा? सर डोमेन। वेरी गुड, ठीक है तो ये डोमेन हो गया, ठीक है गुड। ठीक सामने आप ये बताइए सेकंड वाला ये है वो को डोमेन होगा या फिर डोमेन होगा या कि रेंज होगा? सर ये को डोमेन होगा और जो रेंज होगा इसका सबसे। नहीं अभी 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 एकदम नहीं, बस को डोमेन आपने बोल दिया बहुत है, ये है को डोमेन बस, क्योंकि मैंने बोला ना जो कि आपको डोमेन और रेंज अब आपको डिफाइन करना होगा, तो ये जो को डोमेन है बाद वाला पार्ट जो है वो आपको जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो आपको फिक्स रहेगा, वो आपको फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पूछा है कि नहीं पूछा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर मान लीजिए को डोमेन अगर पूछा है तो इसका आंसर एकदम आप आंख बंद करके 1 2 3 डॉट डॉट 14 लिख दीजिए। समझ में आया सबको? जॉन मुआसिरा बताइए, कुछ पूछ रही थी आप? नो सर आ गया समझ। आ गया ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला था, जो कि डोमेन और रेंज इज द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली बात। दूसरी बात ये जो कि उसमें एक्स और वाई की वैल्यू उस को डोमेन से बाहर नहीं जाएगा, अभी मेरे पास एलिमेंट ही नहीं रहेंगे तो हम कहां से इसको डोमेन रेंज इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब आ जाइए आगे। अब क्या है, वाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ऑब्वियस है एक्स को इन्होंने डोमेन लिया है और वाई को रेंज लिया है, वो जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है 3x - y = 0, ये आपको डिफाइंड रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने इसीलिए बोला जो आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से डिफाइंड रहेगा, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं y = 3x, अब हम लोगों का डोमेन और कोडोमेन की बात आ गई, तो x मतलब डोमेन सबको मालूम है, ठीक है, और y मतलब रेंज, y मतलब रेंज, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप x की वैल्यू रख सकते हैं, तो x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, वो यहीं से रखेंगे, मतलब 1 2 3 4 से ही रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए एक एक करके मैं लिख के जा रहा हूँ, जहां पर गलत हो जाएगा वहां पर आप टोक दीजिएगा। x = 1 y = 3, हमें नहीं लगता ये किसी को नहीं समझाया होगा। x = 2 y = 6, यहाँ पर रखते जा रहे हैं। x = 3 y = 9, x = 4 y = 12, x = 5 y = 15, सही है सर? 5 पे नहीं होगा। एक मुबाशिरा आवाज आ रही है आपको? सामिया आपका आवाज आ रही है? यस सर। हमें ये बताइए 5 और 15 रखेंगे? नो सर नहीं रखेंगे, बस यही टोक देना था, ठीक है। तो 5 एंड 15, अब आपके सामने आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, ये हो गया डोमेन, को डोमेन हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और रेंज, रेंज कितना होगा 3, 6, 9, 12, ओके। तो ये होता है आपका कंडीशन, समझ गए? यस सर। अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको प्लीज आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, खुद से कीजिए, तो नहीं समझ आया हमसे पूछिए। सर इस क्वेश्चन में हमारे पास डोमेन 1 to 14 भी तो हो सकता है ना? 1 to 14 कैसे हो सकता है, बताइए हमें, क्या बताया मैंने आपको, y की वैल्यू भी देखना है
और वो y इस 1 टू 14 से बाहर जा सकता है? नो सर। देखिए तो 1 टू 14 में हम तभी तो हम 5 पर जाकर रुक गए, क्योंकि मालूम है जो 5 के बाद जाएगा या नहीं 4 के बाद। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कीजिए तो जल्दी से। टू थ्री सिक्स सेवन क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक हो गया होगा सबसे। यस सर। जॉन क्वेश्चन नंबर 2 हो गया? जी सर। गुड। समय आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समय वासिरा। यस सर, हो गया। नहीं आ रहा है। सामिया बताइए आप, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया सही? सही सर, रेंज नहीं आ रहा है सर। हो गया आंसर मेरा, उसका आंसर। अच्छा सामिया, मैं आपको बता देता हूँ, उसका रेंज नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए x की वैल्यू आप क्या क्या रखी है ये बताइए तो पहले। सर नेचुरल नंबर 1 लेस देन 4। लेस देन 4? यस सर। लेस देन 4 है तो 1 2 3 रखी, ये आपका डोमेन हो गया। समय आप स्पीकर ऑन कीजिए, पहले तभी समझ आएगा। ठीक है, और रेंज कितना है? x प्लस 5 देख लीजिए, 6 7 8। एग्जाम यही था ना? यस। नहीं, एक सेकंड। हाँ सर, यही है। हाँ समय, समझिए आप इसको। यस सर। गुड, अब देख लीजिए 3 6। हाँ सर, इसमें ये भी दे रखा है डिफरेंस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो सर उसमें क्या लिखेंगे? उसमें वर्डिंग में लिखना रहता है, तो वो जैसे मान लो जो कि लेस देन एक्स है, तो वो हो गया ना नंबर वाला ब्रैकेट में। किस क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? ये सेकंड में लिखा हुआ है, नेविगेशन ऑफ द पेयर ऑफ द डोमेन रेंज इन द रोस्टर फॉर्म। आप उसको लिख रहे हो ना 1 6 2 1 6 1 7 1 8 2 6, जैसे लिखते हो। ओके ओके।
थर्ड में ऑड है तो इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ऑड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं लेते हम लोग, निगेटिव भी लेते हैं, तो दोनों पेयर बनाइएगा। सक्षम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यस सर, हो गया। किसी को कोई अगर कुछ पूछना है 2, 3, 6, 7 में तो पूछ लो। डन जी। 7 तक हो गया, ठीक है। तब तक तो तुम क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, तब तक ये लोग कर रहे हैं तब तक। कोई चुप मत रहना, ठीक है। यहाँ पर हम सिखाने के लिए बैठे हैं आप लोगों को, जिसको जो डाउट्स हो या कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तुरंत पूछना। और एक चीज और बोलना है आप लोगों को, जिसके यहाँ अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा में कोई बुकलेट मिली हो, असाइनमेंट मिला हो, कुछ भी अगर मिला हो तो उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है वो एग्जाम में आएंगे तो। क्योंकि तो अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। मान के चले सबका हो गया, क्योंकि हमें फिर फंक्शन स्टार्ट करनी है 1 मिनट के अंदर। जॉन यस सर, कहाँ तक पहुंचे? अच्छा, 7 तक कर लिए हो, वेरी गुड। मुबासिर, आप कहाँ तक पहुंची? सामने, आप कहाँ तक पहुंची? सिक्स सिक्स कर रही है। अच्छा चलिए ठीक है, सिक्स करने के बाद जो है, अच्छा सिक्स पहले कर लीजिए। मुबसर, आपका सिक्स तक हो गया है?
सर जेड मतलब इंटीजर होता है ना। डन मुआशिरा, अगर मान लीजिए आपको ऑडिबल नहीं है तो मैसेज कर दीजिए आपका क्वेश्चन हो रहा है या नहीं, नहीं तो फिर हम बताएंगे क्योंकि स्किप नहीं करना है। चलिए घर में ट्राई कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग पूछेंगे, मतलब इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको रिलेशन फंक्शन 12 में भी पढ़ना है और इंजीनियरिंग में तो खैर इसके पूछिए मत कितने फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आप लोग 11th में ना, 11th में तो फिर ये फंक्शन ओके हम 90% कोशिश करेंगे आज इसको खत्म कर दें, लेकिन अगर कुछ पार्ट बच जाएगा तो देखेंगे। फंक्शंस में सबसे पहले पार्ट ये देखिए, जो कि फंक्शंस का डेफिनेशन समझिए। जैसे मान लीजिए हमने 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 अभी जो आपने एक क्वेश्चन किया था या उसके बाद भी आप क्वेश्चन की होंगी, तो 1 से लेके 14 तक अगर हम लिए थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू लिए थे, ठीक है, हम लोग सब के सब वैल्यू नहीं लिए थे, मतलब हमारे पास जो रिलेशन गिवन थे उसके अकॉर्डिंग ही हमको एक्स की वैल्यू लेनी पड़ी थी, जिससे कि ये भी देखना था जो वहाँ से जो हम लोग वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसी के अंदर ही रहे, उसके बाहर ना जाए, ठीक है, मैंने ये देखा था। तो ये जो होता है वो सिर्फ रिलेशंस में होता है, ठीक है, वो सिर्फ रिलेशंस में होता है। अब यहाँ से रिलेशंस से कुछ फिल्टर्ड होके फंक्शंस बनते हैं जो कि अलग टाइप के होते हैं, रिलेशंस के होते हैं लेकिन कुछ अलग टाइप के होते हैं। वो अलग टाइप क्या होता है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात ये देखिए, जो कि कोई भी फंक्शन उल्टा रिलेशन हो सकता है क्योंकि रिलेशन से हम लोग निकाले हैं, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये, रिलेशन में आपने देखा था तो यहाँ पर जो डोमेन था सारा डोमेन का हम लोगों ने यूज नहीं किया था, जो मेरे पास रिलेशन गिवन थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया था, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है सर, ये देखिए पहला पार्ट ये होता है फंक्शन का, ठीक, एक डिफिनेशन बता रहे हैं, पहला वाला पार्ट लिखिए कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व At most one point, then this is a function. मान लीजिए ये है आपका ग्राफिकल क्वेश्चन, सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, ठीक, लेकिन ये डिफिनेशन होता है फंक्शन का। मान लीजिए जो कि कोई भी ग्राफ हम लेते हैं ऐसे करके, मान लीजिए जो कि कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ये ग्राफ ले लिए, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा, ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो देखिए एक पॉइंट पे कट किया, वाई एक्सिस के पैरेलल एक पॉइंट पे कट किया, एक ही लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगा, अगर अदर लाइन लेते हैं तो अदर पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, लेकिन
अब मान लीजिए जो कि हम अगर ऐसे करके बनाते हैं और कोई लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक ही लाइन है ना, और एक ही लाइन जो है वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला जा रहा है कर्व एट मोस्ट वन पॉइंट, एक मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट कर सकता है, तो वो फंक्शन होगा नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। ठीक, मान लीजिए जो कि हम ये सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, तो सक्षम हमें ये बताओ क्या ये फंक्शन है? नो सर, नहीं है। गुड, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के पहले जब हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये देखिए एक यहाँ पे कट किया एक यहाँ पे कट किया, तो दोनों जगह कट कर रहा है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है, सामिया माइक ऑन कीजिएगा और हमें ये बताइए क्या ये फंक्शन है? नो सर। गुड, ठीक है, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, जॉन माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ, और हमें ये बताइए जो क्या ये फंक्शन है? नहीं आया आवाज, बताइए यस और नो। यस सर। है? हाँ है, क्योंकि एक लाइन पर एक पॉइंट ही कट कर रहा है, ये फंक्शन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मुआसिरा आपको अब, हाँ सर, अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस की तरफ वो हो तो नहीं होगा ना फंक्शन? हाँ, तो वही तो था ये। हाँ सर, हाँ सर, ये वाई स्क्वायर फोर एक्स था। हाँ मुआसिरा, अब आपके लिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आपको ये बताना है जो कि क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये देखिए एक लाइन है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस देखिए कट किए कितने पॉइंट पे कट किया, दो पॉइंट पे कट कर गया ना, तो ये फंक्शन, हाँ ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जस्ट नॉलेज के मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है इसको नोट कीजिए जल्दी से एक सेकंड में, फिर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। सर आपने ब्रैकेट में एफ लिखा है, ब्रैकेट में एफ जो है कहाँ पर? सर डेफिनेशन ये यस, ये फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो ये मान के चलो आज ये जो है खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास खत्म होगा तब ये बेटर रहेगा, तो जल्दीबाजी में हो जाएगी। और साथ ही साथ ये एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिएगा। सर ये फर्स्ट लाइन अलाइन टू वाई लिखा है, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सच्चम ये जो आपने लिखा है पैराबोला फंक्शन वो क्लियर हो गई बात? हाँ सर। ए लाइन parallel to y-axis cuts the curve at most one point, then this is a function, otherwise not a function. तो पहला वाला फंक्शन है, दूसरा वाला फंक्शन नहीं है, बस एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, टिक कर लीजिए और क्या।
डन सर। समय मिटा दें। यस सर। ठीक, अब देखिए ये हुआ जो कि आपको बस याद रखना है नॉलेज के लिए, कहीं पर कोई अगर पूछेगा तो बता सकते हैं। अब आप जाइए, आ जाइए यहाँ पर जो आपने पढ़ना है। देखिए सेकेंड फंक्शन, सेकेंड डिफिनेशन, सेकेंड डिफिनेशन, पहली बात वी हैव टू डिफाइन, वी हैव टू डिफाइन द मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसको कि हम लोगों ने डोमेन बोला था, तो यहां भी डोमेन ही बोलेंगे, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि डोमेन ऑफ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने क्या लिखा, जो रिलेशन आपको याद होगा अभी हमने क्वेश्चन किया था 1 to 14 में, सबको सबको यूज नहीं किए थे, वो रिलेशन में काम हो गया, लेकिन फंक्शन में ये कह रहा है क्योंकि आप एक भी एलिमेंट बिना इमेज डिफाइंड किए हुए नहीं छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ते हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, हाँ ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब देखिए सेकेंड में 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, अब देखिए ये हो गया। ठीक है, अब इसमें रुको एक मिनट, सेकेंड वाला फिगर जो है दूसरा बनाते हैं, नहीं इसके यूज पड़ेगी हम लोगों को बाद में, तो वहां लेंगे। सेकेंड वाला फिगर बना रहे हैं 1 2 3, फोर फाइव सिक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो फंक्शन है क्योंकि हमने सब एलिमेंट का डिफाइन कर दिया मिरर इमेज, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 का मिरर इमेज हमने डिफाइन नहीं किया है, सो दैट दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, पी क्यू आर 1 2 3 4, समय यह फंक्शन है? नो सर। क्यों? रीजन बताइए, इसमें से कुछ तो लग नहीं रहा है सर, क्योंकि 4 का पेयर कोई नहीं है। हमने किसकी किसकी वैल्यू मैंने लिखा है, एक्स की कि वाई की? एक्स। एक्स की ना, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू डिफाइन द मिरर इमेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट वाई। ये देखिए एक्स में पी क्यू आर है ना, यस सर, सबको हमने डिफाइन किया है, यस, ये फंक्शन है। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या हुआ, तो इसमें 3 का डिफाइन नहीं है ना, देखिए 3 का डिफाइन नहीं ना है, 3 छूट गया ना, 3 का मिरर इमेज डिफाइन नहीं किए हैं हमने, यस सर, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। इस केस में देखिए 3 का फंक्शन डिफाइन है, यहां पर आप लिख लीजिए जो कि वह एक ही मतलब हुआ जो दूसरा वाला पार्ट लेंगे, वी हैव टू डिफाइन द मिरर इमेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं जो कि नो वैल्यूज ऑफ एक्स लेफ्ट, नो वैल्यूज ऑफ एक्स लेफ्ट विदाउट मिरर इमेज, दोनों का मतलब सेम हुआ, मतलब एक भी एक्स की वैल्यू हम लोग नहीं डिफाइन मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, किसके लिए, फंक्शन के लिए, तो ये फंक्शन
जब होगा कब, जब सबके सब डिफाइन करेंगे, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर, ठीक। मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा, तब क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसका थर्ड डिफिनेशन, थर्ड डिफिनेशन ये कहता है, थर्ड डिफिनेशन जरा ध्यान से सुनिए। तो अभी हम लोगों ने ये जो ग्राफ बताया था, इसे ग्राफ हम लोग पहले बताते हैं, ये जो ग्राफ बताया था और एक लाइन पैरेलल था, तो सामने ये तो पता है ना, ये फंक्शन नहीं है, पहला पहला वाला डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यस सर ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अब क्यों नहीं है वो देखिए, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है, ये देखिए तो जस्ट पैरेलल आप ड्रॉ की है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1, -2 होगा। यस तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 1 जो है वो आपको x की वैल्यू है जो कि 1 है, और यहां से दो डोमेन, दो रेंज समझ सकते हैं, दो रेंज भी नहीं बोलेंगे, मिरर इमेज बोलेंगे, वो 2 और -2 आ रहा है, देखिए ऐसे करके ये आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन था ऊपर में? नहीं था ना? यस सर। तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो कि एक डोमेन के एक से ज्यादा मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। फिर लिख देते हैं हम, there will be not more than one image for a single, क्या बोलोगे, डोमेन बोलो, ब्रैकेट में वैल्यूज ऑफ एक्स बोलो, ठीक है, एक एक्स के देयर विल बी नो जब लिख देना नॉट, ठीक है, तो एक एक्स की एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका उल्टा, सबको मालूम है जो यह फंक्शन था बाय द डिफिनेशन ऑफ द ग्राफिकल अप्रोच, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अगर इसकी बात अगर हम करें, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आप लिखिए -1, 2, हाँ, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखेंगे, 1, 2, सही लिखे हैं? यस सर। ठीक, तो ये जो -1 और 1 है वो x की वैल्यू है ना, तो देखिए ये x की वैल्यू है वो -1 है और 1 है, इसके लिए एक सिंगल वैल्यू 2 है। यस सर। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो, जो कि यहां पर मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, यहां पर ये फंक्शन था, तो ये फंक्शन था, तो जब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये भी तो फंक्शन होगा। ये क्या था देखिए, यहां पर जब आपने, जब यहां पर देखिए 1, 2 था और 1, -2 था, तो ये फंक्शन नहीं था, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन था और उसके दो मिरर में नहीं बन सकते हैं, जबकि यहां पर -1, 2 और 1, 2 ये फंक्शन था। तो y की वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन x की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फटाफट इसको पहले नोट करो, पहले तब मैं इसके आगे लिखता हूं, देयर विल बी नो मोर देन, कि सर ज्यादा इमेज भी हो सकती है लेकिन डोमेन की नहीं होगी, डोमेन की नहीं होगी, डन सर, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे याद सकते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो,
ये ऐसे करके बनाओगे तो ये पॉसिबल है, राइट हैंड साइड में जब ऐसे बनाओगे तो ये पॉसिबल, उल्टा बोल दिया, जब लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे बनाओगे अपने चार्ज देख लेना तो वो पॉसिबल नहीं है, और राइट हैंड साइड में जब ये पॉसिबल है वी से। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको बताता हूँ। आपने क्या देखा था, जो कि मोर देन वन एक्स की वैल्यू, आप लिखेंगे इट इज पॉसिबल दैट फॉर मोर देन वन डोमेन, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एक्स सेम वाई इज पॉसिबल, सेम वाई इज पॉसिबल। ठीक है, सेक्शन डॉट्स क्या रखो, मैं पता बता दूंगा। ए इट इज पॉसिबल दैट फॉर मोर देन वन ऑफ डोमेन या वैल्यूज ऑफ एक्स सेम वाई इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखिए, तो हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा अभी हमने दो बार बनाया है, ये देखिए ये y square is equal to 4ax का ग्राफ है ये, है ना, और x square is equal to 4ay का ग्राफ है ये। ठीक है, तो ये देखिए आपको याद होगा जो कि ये फंक्शन नहीं है, सामने में ही है, याद क्या होगा। ठीक है, जबकि ये फंक्शन है। ओके, अब देखिए यहां से अगर आप x की वैल्यू 4a के बदले में, ना हम लोग क्या करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ले लेते हैं, 16 या 4x ले लेते हैं, 4x एक जगह पर 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्या होगा, फायदा होगा। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू आपने 1 लिया तो y स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक, जब आप इसको सिंगुलर फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1, 2 1, -2 जो कि फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेम एक्स के लिए यहाँ पर वाई की दो वैल्यूज दे रही है, जबकि यहाँ देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अगर लेते हो आप, चलो 4 भी छोड़ दो, अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो और x इज इक्वल टू -1 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 1, -1, 1 ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। ओके सर, डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। हाँ जी, यही तो, इसीलिए तो हमें लगा था खत्म कर देंगे हम, लेकिन फिर बाद में याद आया नहीं, ग्राफ तो बताना पड़ेगा। डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। ठीक है, अभी लोग जल्दीबाजी इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद देखेंगे। तो ये फंक्शंस हो गए। अब आपको फटाफट बुक निकालिए, बुक निकालने के बाद आप एग्जांपल नंबर 11 कर लीजिए, तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है। एग्जांपल नंबर 11, अगर कोई मेरी बात में और क्वेश्चन में अगर कोई कंट्राडिक्शन आपको लगे तो जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। इसमें से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है,
सक्षम तब एक डॉट्स बोलो सर. क्वेश्चन है इफ 1 माइनस आयोटा पूरे पे मॉड उसके ऊपर पावर एन इक्वल्स टू 2 की पावर एन देन एन इक्वल्स टू 2 की पावर एन देन एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 1 ठीक है. ये देखो ये जो 2 है इसको अब नीचे ले जाओ. ये लिख सकते हो इस 2 की पावर एन को आप नीचे लेके चले गए. yes. ठीक है यहाँ तो मॉड है ना तो यहाँ पर लिखो 2 की पावर एन बाई 2 ये हो गया इक्वल टू 2 की पावर एन 2 की पावर एन बाई 2 कैसे हुआ समझे. नहीं नहीं ये देखो 1 माइनस आई का जो लिखोगे कितना लिखोगे अंडर रूट 1 प्लस 1 इसका कितना होगा अंडर रूट 2 सर. 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 कैसे है x प्लस आयोटा वाई का मॉड क्या लिखते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हो. ओके सर है ना जी. तो अब आ गया तो 2 की पावर n बाई 2 आंसर 1 हाफ हो गई n की पावर. ठीक चलिए अब ये बताइए एग्जाम्पल नंबर 11 मुआसिरा आपका डन हो गया कि उसके बाद सक्षम आपका डन हो गया. साम्या यस सर हो गया. यस जो मैंने बताया उसी के अंदर था सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना पड़ा. नहीं जॉन हो गया. यस सर गुड ठीक है. इसके बाद हम लोग जो सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स पेज नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे लेकिन क्लास अभी 2 मिनट अभी और है तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ जो कि देखिए तो एग्जांपल नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 10 करके छुट्टी कर दे रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे. इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद लीनियर इनक्वालिटीज मैथ के पेपर में 8 छुट्टी मिली है तैयारी कर लो तब तो 100% आ जाएंगे. डेट शीट मिल गई है कब से है पेपर तुम्हारा सक्षम सर. 24 फेब हाँ तो उससे पहले खत्म हो जाएगा सक्षम. देखो तो क्या नाम है इंडेक्स में जाके एक तो हम लोग का रह गया है लीनियर इनक्वालिटी और एक सेट्स रह गया सर सेट्स की जरूरत है. नहीं सेट्स बता देंगे थोड़ा सा बता देंगे वो तो क्या आधा घंटे खत्म हो जाएगा. लीनियर इनक्वालिटीज और बस ना हाँ तो इसका लीनियर इनक्वालिटीज खत्म हो जाएगा तो बस उसके बाद फिर रिवीजन टेस्ट चले. हाँ. क्लास खत्म करें मुआशिरा सर मुझे स्ट्रेट लाइंस और कॉनिक सेक्शन भी पढ़ना था. हाँ तो हाँ उसके बाद जो है ना जो लीनियर इनक्वालिटीज हो जाएगा ना तब. हाँ सर मैं बताइए आप कुछ बता रही थी. सर मैं ये कह रही थी कि मेरा स्ट्रेट लाइंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हुए.
अच्छा ठीक, ये ना चैप्टर आप नोट करके रखे रहिए, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगा ना तो फिर आपको हम वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक मेरा है। भी कॉम्प्लेक्स हाँ, तो मतलब उसके कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा नंबर, है। स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन, ये तीनों जिनका रह रहा है, तो लीनियर इनक्वा